हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित खान आज फिर पेश हुआ एक न्यू वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मछलियों को जो वाइट स्पॉट्स हो जाती है उसको हम लोग कैसे ख़त्म करें और वाइट स्पॉट्स होने से कैसे बचाएं अपने फिश को। तो दोस्तों, विंटर ख़त्म होने लगी है और अभी जो ये मौसम है, मौसम चेंज हो रहा है, इसमें मछली को वाइट स्पॉट्स होने के बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा वाइट स्पॉट्स होते क्यों हैं। दोस्तों, वाइट स्पॉट्स दो रीजन से होते हैं। एक तो वाइट स्पॉट्स को हम फंगस भी कहते हैं। पहला रीज़न ये है, अगर आपका एक्वेरियम का पानी ठंडा रह जाए और मछलियों को जो टेम्परेचर चाहिए उससे ठंडा हो पानी, तो मछली को वाइट स्पॉट्स हो जाती है और वो बीमार हो जाते हैं। दूसरा रीज़न ये है, जिस तरह हम लोग फिल्टर चलाते हैं या और भी मतलब नॉर्मल एयर होता है हमारा, जो एटमोसफेयर का एयर होता है वो हमारे एक्वेरियम के पानी में मिक्स होता रहता है, उसमें जो बैक्टीरिया होती है वो बैक्टीरिया पानी में घुलती रहती है और उसकी वजह से भी वाइट स्पॉट्स हो जाता है। तो दोस्तों, आपको बताऊंगा कि वाइट स्पॉट कैसे ख़त्म करें। तो दोस्तों, इसके के लिए हमें एक दवाई यूज़ करना पड़ेगा, उसको कहते हैं एंटी फंगस। ये दवाई है दोस्तों, एंटी फंगस। ये ब्लू कलर की होती है, इसका नाम होता है, आप एक्वेरियम की शॉप पर जाके ले सकते हैं। एंटी फंगस होता है ये, 50 रुपये की होती है डब्बी। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह में यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने एक्वेरियम का पानी चेंज कर लीजिए और हीटर चला दीजिए। हीटर चलाने के बाद इसमें से एक ढक्कन से थोड़ा सा, मतलब इतना सा एंटी फंगस डाल दीजिए। पहले दिन तो इस तरह डालना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा ये एंटी फंगस यूज़ किस तरह करना है। इसके के लिए दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे इसका एक ढक्कन से थोड़ा सा कम एंटी फंगस में डालना है। पहले दिन एक ढक्कन से थोड़ा सा कम डालना है और दूसरे दिन आधा ढक्कन डालना है। और दूसरे दिन जब एंटी फंगस डालिएगा, इसका आधा पानी, मतलब एक्वेरियम के, आपके एक्वेरियम का आधा पानी चेंज करके आधा ढक्कन डालना है। और तीसरे दिन आधे से भी आधा डालना है, उस दिन भी आपको आधा पानी चेंज करना पड़ेगा एक्वेरियम का। और हीटर चला के रखना है 3 दिन। ये प्रोसेस 3 दिन का है और 3 दिन लगातार करना पड़ेगा ये। इसके बाद आपकी जो फिश है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वाइट स्पॉट्स उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने एक ढक्कन से थोड़ा कम ले लिया है और इसको मैंने इस तरह हमने एक्वेरियम में डाल दिया है और हीटर चला दिया है। दोस्तों, ये जो है ये दवाई होती है, ये स्पेशल फिश के लिए बनी होती है। इससे क्या होगा, जो फंगस लगे हैं मेरे फिश को, वाइट स्पॉट हुए हैं बैक्टीरिया की वजह से, वो ख़त्म हो जाएगी। और आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा, जो आप अपने फिश को फीड देते हैं, खाना देते हैं, वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, मतलब जितना रेगुलर देते हैं उससे थोड़ा सा कम। ये प्रोसेस 3 दिन का है दोस्तों, 3 दिन हीटर चला के रखना है, बंद नहीं करना है, और हीटर का टेम्परेचर 30 डिग्री होना चाहिए। तो दोस्तों, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आप अपने मछलियों का जो वाइट स्पॉट्स है वो कैसे ख़त्म करें। अगर कुछ ना पता लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। दोस्तों, आपको इस दवाई का नाम बताते हैं दोबारा से, इसको एंटी फंगस कहते हैं, एक्वेरियम की दुकान से मिल जाएगा एंटी फंगस। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू टीसी।